दोस्तों, कोई शख्स पब्लिसिटी के लिए, स्वप्रचार के लिए, खबरों में रहने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी एक मिसाल है पूनम पांडे। पूनम पांडे वही मॉडल जिन्होंने की कल के दिन अपने मरने की झूठी खबर फैला दी। लोगों ने उनकी इस खबर पर इसलिए यकीन किया क्योंकि ये खबर उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम के हैंडल से आई थी, उनके पीआर की ओर से भी प्रेस रिलीज जारी की गई थी, और ऐसे में तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबारों ने उसको सच मानते हुए उस खबर को प्रसारित किया था। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि यह उनकी ओर से किया गया एक भद्दा मजाक था, जिसको कि अब वो जन जागृति का रूप देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अब अपने जिंदा होने के सबूत के तौर पर एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि सर्विकल कैंसर के प्रति जागृति के लिए यह किया गया था। Those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. तो ये मोहतरमा इस झूठी खबर के बूते कल दिन भर टीवी चैनलों पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में छाई रही। दरअसल परसों के दिन अंतरिम बजट पेश करते वक्त भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया था कि 9 से 14 साल की बच्चियों को सरकार की ओर से मुफ्त सर्विकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। यही सुनकर इन्होंने मौके पर चौका मार दिया और लगा कि यह पब्लिसिटी करने का एक चांस है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, और फिर सर्विकल कैंसर से अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है कि पूनम पांडे ने इस तरह का स्टंट किया हो। इसके पहले भी अपने बयानों की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रही हैं। पूनम पांडे साल 2011 में चर्चा का विषय बन गई थी और तब वो लाइमलाइट में आई। 2011 के पहले पूनम पांडे कई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती थी, कई मॉडलिंग के असाइनमेंट्स करती थी, लेकिन उनका नाम हुआ, वे चर्चा का केंद्र बनी साल 2011 में, उस वक्त जब क्रिकेट विश्व कप चल रहा था। तो विश्व कप के फाइनल मैच के पहले सोशल मीडिया पर पूनम पांडे ने एक ऐलान करके सनसनी फैला दी। पूनम पांडे ने ऐलान यह किया कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप को जीत लेती है तो वो स्ट्रिप करेंगी, यानी कि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भारतीय क्रिकेट टीम के सामने प्रदर्शन करेंगी। तो एकाएक उनके इस ऐलान से सभी टीवी चैनल, सभी अखबार उनके बारे में बात करने लगे, उनके इंटरव्यू के लिए लाइन लगने लग गई, और हर बार वो यही बात दोहराती थी कि अगर वर्ल्ड कप जीत लिया भारत ने तो देखिए क्या होता है। और वाकई में जीत लिया भारत ने वर्ल्ड कप। उस साल वर्ल्ड कप भारत के हिस्से आया। तो फिर सवाल उठा कि भाई अब पूनम पांडे के किए गए उस वादे का क्या जो उन्होंने कहा था। तो ऐसे में पूनम पांडे ने फिर सफाई दी कि बीसीसीआई की ओर से परमिशन नहीं मिल रही है ऐसा करने की। वो तो अपना वादा पूरा करना चाहती है, वो स्ट्रिप करना चाहती है भारतीय खिलाड़ियों के सामने। फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आ जाता है, और वीडियो में रात के वक्त वो वानखेड़े स्टेडियम में, दक्षिण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर कई अंतरराष्ट्रीय मैच होते रहे हैं, उस वानखेड़े स्टेडियम में वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर घूमती दिखाई देती है। वहां पर उन्होंने पूरा वीडियो शूट किया होता है और उनके इस वीडियो से सनसनी मच जाती है। तो इस तरह से पूनम पांडे पहली बार चर्चा में आई और यहां से जो उन्हें लाइमलाइट मिली तो फिर वो आगे बरकरार रही, और एक के बाद एक पूनम पांडे ने इस जैसे तमाम वीडियोस डालने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे वीडियो डालने शुरू किए, अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह के वीडियो डालने शुरू किए, खास करके ऐसे वीडियोज के लिए जिसमें कि औरतें नग्न दिखाई देती हैं। कई मामलों में पूरी तरह से उन्होंने निर्वस्त्र होकर वीडियो डाले हैं अपने बोल्ड शूट्स के लिए और बोल्ड बयानों के लिए भी। अक्सर जब भी उनका इंटरव्यू किया जाता था तो कई बोल्ड बयान वो देती थी।
पूनम पांडे मूलतः कानपुर की रहने वाली थी। 1991 में उनका जन्म हुआ था और कानपुर में पली बढ़ी। उसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में उनको अपना करियर आजमाना था तो मुंबई आ गई। मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे में रहती थी। फिर इसके बाद जब मॉडलिंग में उन्हें सक्सेस मिली और खास करके 2011 में जब वो चर्चित हुई तो उसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई सारे असाइनमेंट्स मिलने लगे और उनके यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम वीडियोस इतने चर्चित हुए, इतने चले कि उसी से उन्होंने करोड़ों की कमाई कर ली और मुंबई के बांद्रा इलाके में एक आलीशान घर भी खरीद लिया। और लगातार वो कुछ ना कुछ इस तरह के वीडियोस डालती रहती थी। साल 2020 में उन्होंने शादी कर ली। शादी की सैम बॉम्बे नाम के एक शख्स से, लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं पाई। साल भर के भीतर ही ये शादी टूट गई। पूनम पांडे ने आरोप लगाया कि सैम बॉम्बे उनके साथ मारपीट करता था, उनको मानसिक और शारीरिक तनाव देता था और इसकी शिकायत उन्होंने गोवा पुलिस से की, जिसके बाद सैम बॉम्बे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और फिर इन दोनों के बीच में अलगाव हो गया। लेकिन पूनम पांडे खुद भी कानून के शिकंजे में फंस चुकी हैं। उसी गोवा में पूनम पांडे पर भी एक मामला दर्ज हुआ। गोवा के एक बीच पर पूनम पांडे पूरी नग्नावस्था में पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर वहां एक वीडियो शूट कर रही थी। उस पर गोवा की एक स्थानीय पार्टी गोवा फॉरवर्ड ने आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत की और कहा कि इस तरह से सार्वजनिक ठिकाने पर पूनम पांडे ये नहीं कर सकती, जिसके बाद पूनम पांडे की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त भी काफी चर्चा में रही पूनम पांडे, लेकिन इसके बाद भी लगातार कई बार कुछ मामलों में उनका नाम आया। उन पर आरोप लगा कि वो एक पॉर्न फिल्म के रैकेट से जुड़ी हुई है। इस मामले में जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो फिर उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और फिर अदालत से उन्हें राहत मिली और वो गिरफ्तारी से बच पाई। एक बार इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए का वीडियो भी डाल दिया। जब उस पर बवाल मचा तो फिर बाद में उन्हें अपना वीडियो हटाना पड़ा। पूनम पांडे फिल्मों में और टीवी पर भी अपनी किस्मत आजमा चुकी है। उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया और ये फिल्में ऐसी थी जहां पर उनके बोल्ड सीन्स पेश किए गए थे। एक फिल्म थी नशा, इन तमाम 8 फिल्मों में से एक नशा नाम की फिल्म थी जो काफी चर्चित हुई थी, जिसने सारी हदें तोड़ दी थी। फिर इसके बाद टीवी पर भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। रियलिटी शोज में और दूसरे प्रोग्राम्स में उन्होंने हिस्सा लिया। कुल 4 टीवी शोज में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और लगातार वे इंस्टाग्राम पर अपने कुछ ऐसे वीडियोस डालती रहती थी जो चर्चा का विषय बने रहते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि भले ही पूनम पांडे जन जागृति क्यों ना कर रही थी, लेकिन क्या उनका यह तरीका सही था? क्या ये उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं था जो कि वाकई में सर्विकल कैंसर से पीड़ित है या जिनके अपने नाते रिश्तेदार इस बीमारी की वजह से गुजर गए? और क्या इस तरह की झूठी खबर फैलाना अपराध नहीं है? इंडियन पेनल कोड और IT एक्ट में कई सारी ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत पूनम पांडे को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा सकते हैं और कई लोगों की ओर से तो अब उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूनम पांडे का यह तरीका सही था? क्या आगे चलकर और लोग भी इस जैसा स्टंट नहीं करेंगे? आप खुद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे 2 चैनल हैं, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज और जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स, जिनमें मैं अपराध और राजनीति की खबरें सुनाता हूं, किस्से कहानियां सुनाता हूं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। जय हिंद।